बात प्रेम की है, कृष्ण से प्रेम होना चाहिए। कुछ ऊंचे से ऊंचा है तुम्हारे पास जिसकी सेवा में शरीर को भी अर्पित कर सको। अब शरीर को मृत्यु भी हो रही होती है तो थोड़ा पीछे की बात हो जाती है। पहली बात क्या है, कृष्ण के साथ है या नहीं? अच्छा जी, मेरा प्रश्न ये था कि हम आपसे प्रश्न पूछते हैं और फिर आप उसका कुछ उत्तर देते हो, उसके बाद हम उस उत्तर से संतुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही प्रश्न आ जाते हैं। आप अधिकांश प्रश्नों के जो भी पूछते हैं या मैं पूछता हूँ और लोग पूछते हैं, उनका उत्तर ऑलरेडी आप दे चुके हो, फिर संतुष्ट भी हो जाते हैं, सही भी लगता है, लेकिन फिर अगले दिन वही क्वेश्चन उठते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सही लगने के बाद भी हमें उस पर काम नहीं कर पाते? मेरा प्रश्न था कि हम प्रश्न पूछते हैं और उत्तर मिलता है और हमें सही भी लगता है उत्तर। आप मर्सिडीज के शोरूम में जाइए, वहाँ खड़ी है 1 करोड़ की गाड़ी, और वहाँ वो आपको गाड़ी दिखाई गई, उसके फीचर्स आपने देखे, आप बिल्कुल संतुष्ट हो गए, बहुत बढ़िया गाड़ी है। फीचर्स देख लिए, टेस्ट ड्राइव भी ले ली, एकदम संतुष्ट हो गए, बहुत बढ़िया गाड़ी है। ठीक, हो जाइए संतुष्ट। अगले दिन पूछ रहे हैं, वो चलानी है, मिल नहीं रही। कल तो संतुष्ट हो गए थे पूरे तरीके से, गई कहां? संतुष्ट भर होने से मिल जाएगी क्या? संतोष तो पूरा मिल ही जाएगा, क्योंकि वो चीज ही बहुत अच्छी है। वो जो चीज आपको बताई गई है, जो चीज दिखाई जा रही है, वो चीज बहुत बहुत अच्छी है, तो संतुष्ट तो आप तुरंत हो जाएंगे। लेकिन आपके संतुष्ट भर हो जाने से वो चीज आपको मिल थोड़ी जाएगी। बार बार वही बोलता हूं, तुम्हारे संतोष से नहीं मिलेगी, तुम्हारे श्रम से मिलेगी। मेहनत करके करोड़ रुपए चुकाओ भी तो संतुष्ट हो गए, बहुत बढ़िया। नहीं, वो जो कुछ बता रहा हूँ, सेल्समैन खड़ा हुआ कह रहा है देखिए ये इसमें ऐसा है, हम संतुष्ट है, नहीं आई एम सेटिस्फाइड, और दिखा रहा है इसमें ये फीचर है, नो ना आई एम वेरी हैप्पी। हाँ बहुत ठीक है, आप सेटिस्फाइड भी हो गए, हैप्पी भी हो गए, तो मिल गई आपको। हाँ जी सर। सर मेरा एक प्रश्न और था। ये वाला समझ गए जी, संतुष्ट 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 है, चलो ठीक। सर मेरा प्रश्न ये था कि संस्था को लेके या आप में भी कभी बार क्रोध आता होगा या उदासी आती होगी या बेचैनी होती होगी, ऐसा होता है आपके साथ? हाँ, यदि ऐसा होता है तो फिर आध्यात्म किस दुखों से मुक्ति की बात करता है? अध्यात्म आपको बड़े दुख की ओर ले जाता है। अध्यात्म दुख से नहीं, क्षुद्रता से मुक्ति दिलाता है। दुख भी मिले तो ऐसा कि कुछ मजा तो आए, दुख के नाम पे मच्छर काट गया, गरिमा होनी चाहिए ना कुछ जीवन में, अच्छा लगेगा कि मर भी रहे तो कैसे मरे, मॉस्किटो बाइट से मरे। मैंने इतना तो कर लिया है कि मर मैं भी रहा हूं जैसे सब मर रहे हैं, पर मैं कम से कम तोप का गोला खा के मर रहा हूं। किसने कह दिया कि आध्यात्मिक आदमी को दुख नहीं होता, समस्याएं नहीं होती? मुझे समस्याएं चाहिए थी तभी तो ये काम कर रहा हूं। ऐसी छवि बनी हुई थी इसलिए। छवि बन कैसे गई? मुझे देख के तुम्हें वाकई लगता है कि मैं बहुत मजे कर रहा हूं, या मुझे दुख या क्रोध नहीं होता? हाँ तो फिर संतुष्ट। तुम समझ गए कि मेहनत लगती है। मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ ये समझ जाने से मेहनत लगती है बहुत लाभ नहीं होगा।
जो मेहनत लगती है अब उसको लगाकर दिखाओ भी तो। जो मेहनत मैंने लगाई वो तुम्हारे काम कैसे आएगी? अगर मेहनत मैं कर रहा हूं तो लाभ भी किसको होगा? मेहनत करने वाले को। तुम संतुष्ट क्यों हो रहे हो? देखो, दो संस्कृतियां रही हैं भारत में, एक ब्राह्मण और एक श्रमण। और दोनों ही अपनी अपनी जगह अधूरी रही हैं। हमें दोनों का एक संगम चाहिए। जो ब्राह्मण संस्कृति रही है, संस्कृति नहीं है वो, एक तरह की विचारधारा है, वो कहती रही है कि हाथ पांव चलाने की बहुत जरूरत नहीं है, बस समझ जाओ काफी है। जो श्रमण संस्कृति रही है वो कहती रही है कि मेहनत से ही होगा, सब मेहनत से ही होगा। जो असली बात है वो ये है कि समझो, मेहनत करो। जितना मेहनत करोगे और समझ में आएगा, जब समझ में आए तो और मेहनत करो। दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। श्रम बहुत आवश्यक है। सिर्फ बैठे बैठे तुम्हारा एनलाइटनमेंट और रियलाइजेशन नहीं हो जाना है। संतुष्ट जी?